और बताओ जी कैसे हो। तो माइनक्राफ्ट की नेक्स्ट अपडेट का आगाज हो चुका है, माइनक्राफ्ट मॉब बोर्ड 2023। और हर बार की तरह इस बार भी अपने को तीन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से हम लोगों को एक मॉब को जिताना है एंड देन वो माइनक्राफ्ट के अंदर आ जाएगा। तो हर एक मॉब के ऊपर बात करेंगे, उनकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई आज का ये वीडियो शुरू करते। तो पहले नंबर पे जो मॉब आता है वो है भाई केकरा, मतलब क्रैब। देखो मेरे भाई, टेलर के अंदर जितना कुछ दिखाया गया उससे ये पता लगता है, अगर केकरा गेम में आता है तो वो मिलेगा भाई मैनग्रोव स्वैम्प बायोम में। मैनग्रोव स्वैम्प बायोम ऑलरेडी एक स्पेशल बायोम है और स्पेशल बायोम के लिए स्पेशल मॉब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखो मेरे को ऐसा लगता है ये जो क्रैब मॉब है ये बेसिकली न्यूट्रल मॉब होने वाला है, मतलब अगर हम लोग अटैक नहीं करेंगे तो वो भी हम पे अटैक नहीं करेगा। अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो टेलर के अंदर पानी के ऊपर एक चीज तैरता हुआ नजर आ रहा है और ये कोई फालतू चीज नहीं है मेरे भाई, ये है क्रैब का क्लॉ। बेसिकली क्रैब के पास एक बड़ा वाला पंजा होने वाला है और वही शायद से वो ड्रॉप करेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से क्रैब को मारने से वो क्लॉ ड्रॉप नहीं करेगा, कुछ अलग सिस्टम होने वाला है। क्योंकि टेलर के अंदर भाई नॉर्मली दिख रहा है कि पानी के ऊपर क्लॉ ऑटोमेटिकली तैर रहा है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लॉ होने वाला है ना ये काफी ज्यादा यूजफुल आइटम होने वाला है। देखो अगर ये वाला आइटम माइनक्राफ्ट के अंदर आ गया तो हम का ब्लॉक रीच थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अभी के माइनक्राफ्ट के वर्जन में जावा एडिशन में हम लोग 4.5 ब्लॉक दूर तक ब्लॉक प्लेस या फिर ब्लॉक को तोड़ सकते हैं और बेडरॉक एडिशन में हम लोग 5 ब्लॉक दूर तक ब्लॉक प्लेस या फिर तोड़ सकते हैं। देखो टेलर में जितना बताया गया, अगर ये वाला क्लॉक गेम में आ गया तो हम लोगों का ब्लॉक रीच थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा और दूर तक हम लोग ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं। मेरे को लगता है 6 या फिर 7 ब्लॉक दूर तक हम लोग ब्लॉक प्लेस कर पाएंगे, लेकिन क्या हम लोग ब्लॉक तोड़ पाएंगे नहीं वो नहीं बताया भाई, शायद से वो भी कर पाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो क्रैब काफी ज्यादा यूजफुल मॉब होने वाला है। और टेलर के अंदर हम लोगों ने देखा भाई कैसे क्रैब भाई पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है और वर्टिकली पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। भाई माइनक्राफ्ट का कोई भी मॉब वर्टिकली दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकता, दीवार के ऊपर एक ही मॉब चढ़ सकता है वो है स्पाइडर, वो भी भाई अजीब तरीके से चढ़ता है, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन खैर अगर क्रैब गेम में आ जाए भाई मजा ही आ जाएगा। तो क्या तुम लोग क्रैब को वोट करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से मॉब को तुम लोग वोट करने वाले हो। चलते अपना नेक्स्ट वाला खतरनाक मॉब के ऊपर जो कि है भाई आर्मेडिलो। अगर आर्मेडिलो गेम में आता है तो वो बेसिकली अपने को देखने को मिलेगा वर्म प्लेसेस में, मतलब सवाना बायोम। देखो सवाना बायोम को देखो कितना ज्यादा सुनसान है, इसके अंदर भी एक स्पेशल ब्रांड न्यू मॉब होना तो चाहिए भाई। देखो टेलर में जितना दिखाया गया ये वाला मॉब काफी ज्यादा साई होने वाला है, मतलब लोगों से मिलना जुलना इसको पसंद नहीं है भाई, ये अपना इस सेल के अंदर चुपचाप बैठा रहता है और अगर बाहर हलचल नहीं है तो बाहर नहीं निकलता है भाई। देखो सेम तरीके का मॉब माइनक्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी है जिसका नाम है भाई सल्कर। सल्कर के पास भी एक सेल है एंड थोड़ी थोड़ी देर बाद वो भी उस सेल के अंदर छुप जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि आर्मेडिलो भी कुछ कुछ सल्कर जैसा ही होने वाला है, लेकिन सल्कर भाई हॉस्टाइल मॉब है और आर्मेडिलो तो बिल्कुल ही हॉस्टाइल मॉब नहीं होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि आर्मेडिलो पैसिव मॉब होने वाला है, मतलब अगर तुम मारोगे भी फिर भी वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और इस मॉब का भी एक स्पेशल एबिलिटी है भाई, ये ड्रॉप करता है स्क्यूट। देखो मेरे भाई एक तरीके का स्क्यूट ऑलरेडी गेम के अंदर है जिसको हम लोग टर्टल सेल कहते हैं। देखो टेलर के अंदर जितना देखने को मिला कि आर्मेडिलो खुद से भाई ये स्क्यूट ड्रॉप किया, मतलब आर्मेडिलो को मारने से ये स्क्यूट तो नहीं मिलेगा, तो फिर मिलेगा कैसे मेरे भाई। देखो अगर हम लोग बात करेंगे टर्टल स्क्यूट की तो बेबी टर्टल जब ग्रो होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक स्क्यूट ड्रॉप करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके का ही सिस्टम होने वाला है। देखो टेलर में हम लोगों ने देखा जैसे ही भाई आर्मेडिलो बोट से टकराया थोड़ी देर बाद उसने सेल ड्रॉप कर दिया, कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल गोट हॉर्न भी अपने को कुछ इस तरीके से ही मिलता है, गोट जब पत्थर से टकराता है तो वो एक हॉर्न ड्रॉप करता है, तो कुछ उस तरीके का सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन ये स्क्यूट भाई अगर ये गेम में आ जाए काफी कूल चीज होने वाला है ये। देखो हम सबको अपना डॉग भाई बहुत प्यारा होता है और ये डॉग भाई कई बार हॉस्टाइल मॉब के साथ फाइट करते हुए मर जाता है, तो यही पे बिल्कुल यही पे काम में आने वाला है आर्मेडिलो के स्क्यूट। आर्मेडिलो के स्क्यूट के मदद से हम लोग डॉग के आर्मर बना पाएंगे भाई, डॉग के आर्मर। वाओ, अगर हम लोग डॉग को आर्मर पहना देंगे तो उसका हेल्थ तो नहीं बढ़ जाएगा लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा हॉस्टाइल मॉब के अगेंस्ट। तो मेरे भाई आर्मेडिलो भी काफी ज्यादा यूजफुल मॉब होने वाला है भाई, दोनों में से एक को चूज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक गोल रखते भाई 1500 लाइक प्लीज कर दो, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलते अपना लास्ट वाला सुपर ओपी मॉब के ऊपर जो कि है भाई पेंगुइन।
देखो बहुत पहले से माइनक्राफ्ट के अंदर लोगों को पेंगुइन चाहिए था और फाइनली माइनक्राफ्ट ने लोगों का सुन लिया है। अगर तुम लोग चाहो तो माइनक्राफ्ट के अंदर पेंगुइन भी आ सकता है। देखो ट्रेलर के अंदर दिखाया गया, अगर पेंगुइन गेम में आता है तो इसका एक बेबी वेरिएंट भी होने वाला है। लेकिन ये पेंगुइन मिलेगा कहाँ पे? ये मिलने वाला है अपने को स्टोनी सोर बायोम में। अभी तुम लोग कहोगे ये कौन सा बायोम है? ये वाला यार, मेरे को भी नहीं पता था कि इसको स्टोनी सोर बायोम कहते हैं। समुद्र के बाजू में अगर तुमको बहुत सारा स्टोन देखने को मिला तो समझ लो भाई वही है स्टोनी सोर बायोम। देखो ट्रेलर में जितना दिखाया गया, पेंगुइन बेसिकली बहुत बढ़िया स्विमर होने वाला है, मतलब ऐसे तेज दरार फड़ाक से तैरने वाला है। ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने देखा कैसे बोट के ऊपर चढ़ते ही पेंगुइन अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा एंड देन भाई बोट से नीचे गिर गया। इससे ये साबित होता है कि पेंगुइन भाई जमीन के ऊपर थोड़ा सा अनाड़ी होने वाला है। और ट्रेलर के अंदर ये भी देखने को मिला कि पेंगुइन भाई बहुत बड़ा छलांग लगा सकता है। क्यूट सा ये मॉब भाई बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने वाला है। और सिर्फ क्यूट नहीं मेरे भाई, पेंगुइन का भी एक स्पेशल पावर होने वाला है। अगर पेंगुइन साथ में है तो अपना बोट का स्पीड भाई इंक्रीज हो जाएगा। देखो मेरे भाई सुनने में तो बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। बेसिकली अपने माइनक्राफ्ट के अंदर बोट का जो स्पीड है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, तो बोट का स्पीड अगर बढ़ जाए तो हम लोग बहुत दूर तक बहुत आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। देखो अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो डॉल्फिन भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अगर हम लोग पानी के अंदर तैरते और पास में डॉल्फिन आ जाए तो अपने को डॉल्फिन ग्रेस नाम का एक इफेक्ट मिल जाता है, जिससे हम लोग और तेजी से तैर पाते हैं। देखो जी भैया मेरे को ऐसा लगता है पेंगुइन भी सेम तरीके से काम करने वाला है। डॉल्फिन अपना स्पीड को इंक्रीज करता है, पेंगुइन बोट का स्पीड को इंक्रीज करने वाला है। तीनों के तीनों अब सुपर डुपर ओपी है और सुपर यूजफुल है। अक्टूबर के 13 तारीख को वोटिंग चालू होने वाला है तो कर देना। क्या तुम लोगों को पता है नेक्स्ट अपडेट में विलेजर्स की ट्रेड चेंज होने वाला है? देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।